हेमंत के मामा एक्सपायर हो गए और कोई शब्द नहीं है मेरे पास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सनी आर्या और मेरी वाइफ दीपिका आर्या। दोस्तों, दुख के साथ एक बात कहनी पड़ रही है आपको, और ये भी कहना पड़ रहा है कि मतलब वीडियो बनाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जो अब बातें रखेंगे हम तो आप समझ जाएंगे वीडियो क्यों बना रहे हैं। हेमंत के मामा की मदद हमने मांगी थी, आपको पता है, 4 से 5 दिन पहले, याद मार के 6 दिन हो गए होंगे। हाँ, इतने डेज हो गए हैं। उनके मामा की कंडीशन क्रिटिकल थी, हम लाइव आए, आपको बताया, आपके आगे बातें रखी, इस हॉस्पिटल में, इस जगह पे आप जाके पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपने हमारे वर्ड्स पे, हमारी इमेज पे, हमें जानते हुए आपने डोनेशन दी, अच्छे लेवल पे दी, जिससे उसके मामा की मदद भी अच्छे लेवल पे हुई। परिवार के चेहरे पे थोड़ी सी रौनक आई कि चलो मदद अब हो गई है, मतलब अब इलाज अच्छे से करा सकते हैं हम, अब दिक्कत नहीं आने वाली। आपने एक दिन में इतनी अच्छी मदद कर दी कि पूरे परिवार मतलब बहुत अच्छी दुआएं दे रहा था, मेरे को धन्यवाद कर रहा था, आप सबको धन्यवाद कर रहा था। लेकिन अचानक से बोले तो अभी 2 दिन पहले हेमंत के मामा एक्सपायर हो गए और कोई शब्द नहीं है मेरे पास। बाकी हेमंत करोड़ों के बुरा हाल था, और ये वीडियो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, क्या मकसद है बनाने का बता देता हूँ कि हम लाइव आए थे, और वो जो लाइव वीडियो चल रही है, पैसे आप मत भेजना आप, क्योंकि मामा नहीं रहे जिनके लिए जान वार रहे थे और जिन पे पैसा लगना था, और जो उनकी वाइफ के पास मदद पहुंची है उनसे उनका जीवन तो निकल जाएगा, लेकिन जो उसके हस्बैंड थे वो तो आपको पता, दुख खत्म होता नहीं है जिंदगी भर। तो हेमंत, उन्होंने अपना सारा जो भी इन्वेस्टमेंट था, इवन आप लोगों की मदद होने के बाद भी, और भी उन्हें बहुत सारी जगह से हेल्प मिली। उसके बाद जब उन्होंने ट्राई किया, भाई ने ट्राई किया, और उसके बाद उन्होंने अपना घर सेल पे भी लगा दिया था कि हम मतलब अपना लगा घर नहीं भी दिया था, सेल एक कर तरीके से पूरी देंगे, फैमिली ने डिसाइड कर लिया था कि अब घर सेल क्योंकि कर देंगे। बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा था उसके माँ बाप ने, सब कुछ कर लिया उसके बाद भी। लेकिन हम लोग सिर्फ ये सोच रहे थे कि अब अगर पैसे आ गए, हम उसे पैसे दे दिए हैं। सनी ने और भी बहुत जगह ट्राई किया, एनजीओज में भी सब जगह ट्राई किया कि सब ठीक हो जाए शायद पैसे से उनकी लाइफ को। लेकिन ये होता है ना, जब भगवान ने जिस इंसान की जितनी लिखी, आप जितनी भी कोशिश कर लो, वो इंसान हम उसे नहीं रोक सकते। कहने भगवान का मतलब, भगवान की मर्जी के आगे हमारी नहीं चल सकती, हम कठपुतली हैं, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। मैं बस इतना ही कहूँगा, आपने एक आवाज़ में सन्नी आ रहे और मेरी वाइफ दीपिका आ रही की आवाज़ में, जो एक यूट्यूबर की फैमिली होती है, वो आपने साबित कर दिया कि ज़िंदगी में अगर कभी किसी को ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आप जी जान से खड़े हो मेरे लिए, ये मेरे को आपने बता दिया। लेकिन एक मेरा जो भाई है हेमंत, वो अपने मामा को नहीं बचा पाया और उसका परिवार नहीं बचा पाया। पैसा इंसान लगा देता है, लेकिन ऊपर वाले ने क्या लिखा है वो ऊपर वाला जानता है। बाकी इससे मैं इस बात में एक छोटी सी चीज़ बोलने चाहूँगी। मेरी एज वो तो नहीं कि मैं दुनिया को समझा पाऊँ, लेकिन अब इससे इंसानों को समझ जाना चाहिए कि पैसा कुछ नहीं है। पैसा कुछ नहीं कर सकता इंसान की जान की, क्या जो हॉस्पिटल्स में पैसा लगाना सब भगवान के हाथ में है। कर्म अच्छे कर लोगे तो शायद ज़िंदगी में भगवान आपको बख्श दें, या कुछ भी है, कितना भी कोशिश कर लिया पैसों से कोई नहीं बचा पाया। लोग ऐसे उल्टे काम कर करके पैसे कमा रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कहाँ लेके जाएंगे पैसे। इंसान तो बच ही नहीं पा रहे, जिसने जाना है वो तो चला ही जा रहा है। कितने पैसे लगा लिए, सबने हेल्प कर दी अपनी तरफ से, सबकी हिम्मत, उनकी भी उम्मीद जागी थी कि जब पैसे आ गए तो शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब जो लिखा हुआ है ना, उसको कोई मिटा नहीं सकता, और हम भी कोई भगवान नहीं है। हमारी खुद की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ चुकी थी, हमने भी उम्मीदें तो छोड़ दी थी, लेकिन हम बस विश्वास रखते थे भगवान पे कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। आज सब ठीक है, लेकिन जिसको जाना है हम नहीं रोक बहुत सकते दुआ उसको। करी दीपिका ने, पूजा पाठ किया हेमंत के मामा के लिए, लेकिन वो नहीं बच पाए। अरे अब उसके लिए उसके मामा, एक होता है ना मामा का रिलेशन होता है, उसके लिए उसके मामा उसके, मैं कह रही हूँ, फादर के बराबर थे। वो लड़का टूट गया है कि इतना ज़्यादा कि क्या मैं बोले। जब भी मेरे से छुट्टी लेके जाता था तो कहता था, भैया मैंने कहा ये पक्का एंजॉय करने जा रहा होगा, कहता, मैंने कहा बेटा कहाँ जा रहा है, तो मेरठ जा रहा हूँ मैं, क्यों, मामा के पास। फिर छुट्टी ली 10 दिन बाद, बेटा कहाँ जा रहा है, मामा के पास। महीने बाद छुट्टी ली, कहाँ जा रहा है, मामा के पास। तो एक तरीके से उसके दोस्त भी थे, मामा भी थे, पिता पिता पिताजी भी थे, तो
कोई वर्ड नहीं है मेरे पास दोस्तों, मैं बस इतना ही कहूँगा कि अच्छे कर्म करते चले जाओ, और कब कहाँ किस मोड़ पे ऊपर। किसी का नजायज फायदा मत उठाओ। एक छोटी सी बात है, वो इस टाइम पे फ्रूट्स का जो रेट है, एक नॉर्मल आदमी खा सकता है आपके हिसाब से? नहीं खा सकता। बिल्कुल, मतलब फ्रूट का रेट 60-70 रुपीज कीवी, एक नॉर्मल बंदा फ्रूट कैसे छोड़ो, अफोर्ड करेगा सिलेंडर, यार? ऑक्सीजन सिलेंडर का रेट अभी भी ऐसा, लोग कह रहे हैं ना कि रेट कम आ रहा है मार्केट में, नहीं बहुत एक्स्ट्रा रेट लगा रहे हैं, पता नहीं सोच नहीं रहे, उनका भी परिवार है और क्या उनके मन में चल रहा है, पैसा कमाना पैसा कमाना। सिर्फ इतना भी क्यों ऐसा चल रहा है? पता नहीं किसकी वजह से ये सब हो रहा है कि सब इतना और महंगा मैं है। एक बार दीपिका आपको रोकूंगा, सोनू सूद जो मुंबई में है एक्टर है, बहुत बड़े पैमाने पे बड़े लेवल पे मदद कर रहे हैं, उनका सल्यूट तहे है, दिल से धन्यवाद। सल्यूट है और उनको। आज वीरेंद्र सहवाग भी आ गए हैं मदद के लिए, तो ऐसे बड़े बड़े स्टार अगर आ जाएंगे ना मदद के लिए तो जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो लगा लो सब कुछ ओके हो जाएगा। अभी तो तीन और इसी के साथ मैं सबको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, कोई भी मदद करने उठता है ना, तो उसका हौसला बढ़ाओ, उसको तोड़ना नहीं। कभी भी आप घर बैठे किसी को कभी जज मत करो, क्योंकि हमारा जज, जो हम जज कर देते हैं ना, वो भी हमारे कर्मों में कहीं ना कहीं जुड़ता है। तो मैं यही कहूँगी कि इंसान को हर किसी को गलत नहीं समझना चाहिए। और आजकल के टाइम पे चलो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अगर कोई किसी की मदद करना चाहता है तो उसको मदद करने दी जाए। और आप भी बढ़ चढ़ कर थोड़ा कम खा लो, लेकिन अगर आपके साथ वाले घर में कोई नहीं खा पा रहा है, उसके घर में खाना नहीं है, तो उसको हेल्प करना बनता है, मेरे हिसाब से तो बनता है। आप अब दोस्तों बात करेंगे एक फ्रॉड केस की, जो कि मेरे नाम से एक शख्स तहलका प्रैंक की आईडी बनाता है फेसबुक पे, और उसके बाद लोगों से पैसे मांगने चालू करता है। और जब आपका भाई उसकी जांच पड़ताल करता है अपने लेवल पे, पुलिस तक मैं अभी तक नहीं गया था, आपके भाई के पास टीम बहुत बड़ी है, तो मेरी टीम जाँच पड़ताल करती है तो पाती है यूपी का लड़का है वो, उम्र उसकी 23-24 साल है, और अभी 2-3 दिन पहले मेरी आईडी क्रिएट करी थी और लोगों से पैसे मांगने चालू किए थे। आपको पता 2 साल के अंदर हमने कभी मैसेज नहीं करा किसी को, लेकिन उस शख्स ने, अब आपको पता आप इतना प्यार देते हो, तो जिस जिस को उसने मैसेज किया 10 लोगों को, 12 लोगों जो हमारे पास डिटेल आई है, मैंने कमाया। किसी ने भी उसको मना नहीं करा, क्योंकि तहलका प्रैंक लिखा हुआ था, मेरी फोटो बनी हुई थी, मतलब आपका इतना बेशुमार प्यार है, आपने किसी ने मना नहीं करा, स्क्रीनशॉट में मैंने मैसेजेस पढ़े हैं। आपको मैं कुछ शॉर्ट्स दिखा रहा हूँ यहाँ पर भी, ये दीपिका की साइड में, यहाँ पे मैं टेलीकास्ट करूंगा, ये देखो और ये देखो, यहां से आपने क्या जाना कि मतलब इतना बेशुमार प्यार देते हैं आप, मतलब मेरे नाम से आपने, किसी ने बंदे ने मना नहीं करा, कि उसने पहले एक से मांगे 500 रुपये, एक से मांगे 1,000 रुपये, एक से मांगे 200 रुपये, तो किसी ने मना नहीं करा, दे दिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतना बेशुमार प्यार देते हैं। लेकिन पहले आप अच्छे से अबाउट में मेरे जाके देख ले, मेरे फॉलोवर्स चेक कर लें, उसके बाद जाके और उसके बाद सबसे बड़ी बात है, अगर हमें किसी की भी हेल्प की नीड होगी, हमें किसी की दूसरे की हेल्प करनी होगी, तो हम लाइव आएंगे और आपसे खुद अपील इस करेंगे कि तरीके से हमें। मैसेज नहीं करेंगे जिस तरीके से ये हरकत कर रहा था, लेकिन आपके भाई ने जो उसकी लंका लगाई है, उसने ठीक आधे घंटे के अंदर अपनी आईडी डिलीट कर दी है, मेरे को पुलिस तक नहीं जाना पड़ा, मैंने उसको हिंदी लेकिन में वो छोटा था, एज में मैंने था, इसको दो ही उसको बातें क्या सिखाई, पता मैंने कहा चलेगा। बेटा तू बहुत गलत गलत काम कर रहा है और माँ बाप का नाम बदनाम कर रहा है, और अगर तेरे पे पुलिस केस हुआ तेरी लाइफ खराब हो जाएगी बेटा, मैं और केस अगर करना नहीं आप चाह अभी रहा। देख रहे हो इस वीडियो को, तो प्लीज किसी की भी मजबूरियों का, किसी के भी लोग अगर किसी के लिए खड़े हैं, तो लोग पता नहीं अपने आप को कैसे काट के किसी को 1 रुपए भी दान में दे रहे हैं, सिर्फ ये सोच के कि कहीं ना कहीं हमारा कर्म जुड़ जाए, किसी की मदद हो जाए। तो प्लीज ऐसे किसी का नजायज फायदा मत उठाओ। पता नहीं किसके एक एक रुपए बाबू जो भेज रहे हैं, उनकी जेब में पता नहीं बेचारों के 10 रुपए होंगे या वो राइट। 1 रुपया भेज रहे हैं। तो प्लीज ऐसे किसी का मिसयूज मत करो। तो दोस्तों मैंने इसको बहुत प्यार से सिखाया, मैंने कहा बेटा तेरा परिवार है, तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है, तेरे पुलिस केस हुआ तेरी लाइफ खराब हो जाएगी, तेरे पे FIR हो, तो गलती मानी अच्छी बात है, लेकिन मेरे को बुरा इस बात का लगा उसने पैसा कमाने का तरीका गंदा चुना, 15 से 20 मिनट लिए उसने एडिट डिलीट कर दी, मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिए हैं, आप थोड़ा सा अलर्ट रहें, कभी भी मेरे साथ नहीं, किसी की भी अगर कोई बड़ा यूट्यूबर है उसकी उसकी आप आईडी से मैसेज आता है तो एक बार आप मतलब चेक कर लें उसके फॉलोवर्स उसके लाइक्स, तब जाके इसको पेटीएम करें, क्यों, क्योंकि अगर वो इस यूट्यूबर ने पैसा मांगा हो तो जायज पैसा मांगा होगा, किसी के लिए किसी की हेल्प के लिए मांगा होगा, ऐसे फर्जी आईडी बनने में ना 1 सेकंड लगता है और मैसेज करने में 1 सेकंड लगता है, आप क्या करते हैं, अच्छा इस आईडी से मैसेज फटाफट से पास, नहीं आप पहले चेक कर लें अच्छे से उस पेज की जाँच पड़ताल कर लें, उसके बाद जाके पैसा दें। बाकी दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा कि मदद आप कर रहे हैं,
हमारी एक आवाज में कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं जितनी तारीफ करूं उतनी उतनी कम है। हिम्मत नहीं होती है किसी से ऐसे बोलने की कि हमें मदद कर दो, या हमारे परिवार में जैसे हेमंत को प्रॉब्लम थी, लेकिन हम पहली बार लाइव आए थे 2 साल के अंदर, हम दीपिका और मैं, मेरी वाइफ और मैं पहली बार लाइव आए थे। लोग ना कहीं से नहीं छोड़ते, आप किसी के लिए मदद करने भी निकलोगे ना तो लोग किसी के लिए, किसी का अच्छा भी हो रहा होता है ना तो दुनिया को तब भी प्रॉब्लम है, उसका क्यों अच्छा हो रहा है। 2 साल में हमने पहली बार मदद मांगी थी, हेमंत का फोन आया था, भैया जरूरत पड़ गई है, हद से ज्यादा पैसा लग रहा है, तब जाके मैंने आपको याद किया था, और आपने साबित कर दिया कि आप बेशुमार प्यार करते हैं और आप इंसानियत और इंसानियत को समझते हैं। आज भी इंसानियत जिंदा है ये पता लग गया मेरे को, और बड़े लेवल पे जिंदा है। सोनू सूद और वीरेंद्र सेवक को मैं दोबारा से धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इतने बड़े लेवल पे हेल्प करना स्टार्ट किया है, और ऐसे बड़े बड़े स्टार्स आगे आए, मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सब। साथ ही साथ मैं खुद प्रे करती हूँ कि उसके मामा जी को शांति मिले और वो बस जहाँ भी हैं वो बहुत खुश रहें, ताकि उनके बच्चे भी आगे सरवाइव कर सकें और अपने बच्चों पे हमेशा हाथ रखें अपना, कि उनके बच्चों को इतनी हिम्मत आ सके कि वो खुशी से इस ज़िंदगी को, जितनी भी ज़िंदगी है अभी हमें पता नहीं है क्या होने वाला है क्या नहीं होगा, लेकिन भगवान उनकी आत्मा को शांति दे ताकि उनका परिवार जो है वो खुश रह सके, हिम्मत रहे उनके अंदर। आप भी अपने कमेंट्स में हेमंत के मामा के लिए प्रे करना, उसके परिवार को शक्ति देना। आपके कमेंट से क्या पता हेमंत को थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि अब वो मामा तो आ नहीं सकते, लेकिन आपके कमेंट्स किसी सामने वाले बंदे के अंदर जान में जान डाल सकते हैं। उसे ये अच्छा लगेगा कि सारी दुनिया उसके मामा के लिए प्रे कर रही है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगर आप उसके लिए मैसेज पे उसके लिए प्रेज करते हो कि उसके मामा बस जहाँ हैं खुश रहें और उनके बच्चे जो हैं वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएँ लाइफ में, और बस खुश रहें आप, जो चला गया उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जितना जितना हमारे से हुआ उतना हमने किया, आपने किया, आपने हम तो सिर्फ जरिया था कि हमारे पास इतने फॉलोवर्स, भगवान ने हमें जरिया बनाया कि हमारे पास इतने फॉलोवर्स हैं, लोग कैसे मैसेज, आप घर बैठा एक इंसान, नॉर्मल इंसान जो जिसके फॉलोवर्स नहीं है, जो लोगों को नहीं जानता, हद मार के 100 लोगों तक मैसेज पहुँचा सकता है कि हमें ये चीज़ दे दो। लोग तो आजकल फ्रॉड कर रहे हैं तो दुनिया डरती भी है, लेकिन हम लाइव आए, हमारे पास फॉलोवर्स थे, 1.3 मिलियन लोगों तक हमने मैसेजेस का पहुंचाया, उसकी हेल्प हुई, ज़्यादा नहीं हुई है, जितनी भी हुई उसको उसमें संतुष्टि हुई, और साथ ही साथ हमने एनजीओ से भी हेल्प मांगी, सब कुछ उस बच्चे के लिए किया, बट वही है ना जो भगवान को मंजूर था वो हम कुछ नहीं कर पाए। तो दोस्तों वीडियो को मैं, तो आप प्लीज़ अब जो भी है हेल्प अब आप स्टॉप कर सकते हैं, बिकॉज अब वो दुनिया में नहीं है तो हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर हमें ज़िंदगी में कभी भी ज़रूरत पड़ेगी किसी की मदद करने के लिए तो हम ज़रूर, और पता नहीं अब हेमंत कभी आएगा आपको थैंक यू बोलने के लिए, लेकिन हम उसको कोशिश करेंगे कि वो सब ठीक होता है तो हम आपकी उससे बात कराएंगे कि आपको वो धन्यवाद बोले, क्योंकि आप ही ने सब कुछ किया तो आपका धन्यवाद बोलना तो बनता है इंसानियत के नाते। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम चलते हैं, और ऐसे ही प्यार बनाए रखना, और जितनी जिंदगी है जी लो अपने परिवार के साथ, पता नहीं कब क्या हो जाएगा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो खुश रहो और सबको हंसाते रहो, हमारा काम जो है हम वो करते रहेंगे जब तक जी रहे हैं, बाकी हार नहीं मानेंगे, लेकिन आपको हंसाते रहेंगे, हमने ठाना शुरू से लेकर एंड तक है आपको हंसाना, तो आपको जिंदगी हम लड़ते हैं आप हंसते हो हमें बहुत खुशी होती है, हमारे लिए वही सब बहुत है कि लोग ब्लेसिंग्स भेजते हैं ना, तो शायद उसी वजह से हमारा परिवार चल रहा है, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। लास्ट वीडियो में दीपिका और मैंने मैसेज दिया था कि 30% लोग हमें परेशान कर रहे हैं, बहुत गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, आपने इतना बेशुमार प्यार दे दिया, आपने उनको सबक सिखाने के लिए इतने कमेंट कर दिए, मैंने पढ़ा था कुछ सबक नहीं, आपने शायद नोटिस नहीं करा, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, स्पेशली पढ़ती हूँ कि मेरे हस्बैंड को कोई बुरा ना बोले, बिकॉज वो अपने दिल से सबको हंसाता है, तो मैंने कमेंट्स पढ़े, जो कमेंट्स वहाँ पे नेगेटिव थे वो बंदों ने भी कमेंट्स जो है यहाँ पे आके पॉजिटिव करे, इसीलिए कहते हैं इंसान खुद से कुछ नहीं सीखता, कोई ना कोई उसको जरिया बनता है, जैसे हमने अपनी मन की बात आपके आगे रखी, तो कोई ना कोई 100 में से अगर 30% गलत थे तो मेरे को ये लगता है 15% लोगों के दिमाग में घुस चुका है कि नहीं, किसी को गलत नहीं बोलना और पीछे नहीं खींचना है, सबको आगे हाथ बढ़ाना है, सबकी मदद करनी है, 100 रुपये है तो 10 रुपये तो किसी को दो ना, इतना तो बनता ही है इस वक्त में, चाहे आगे जाके जितना मर्जी कमा लेना। अपनी सैलरी का 15% तो दे सकते हो, अपने पड़ोस में जो आपके किराएदार हैं जो पैसे नहीं भर पा रहे हैं, आपके पड़ोस में जो मेड है जो काम करने आती है उसके लिए कर सकते हैं आप, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। मैं आपको अपनी पर्सनल छोटी सी बात बताना चाहूंगी, मेरी फैमिली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ, बट मुझे पता है सनी मुझे नहीं बताने देंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरी
फैमिली जो है वो फाइनेंशियली बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन सनी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं मेरी फैमिली की। जबकि इस दुनिया में लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं कि वो जिस जो घर से आपके घर में जो आई है ना वो लेके ही आएगी, उसके घर कोई हेल्प जा नहीं सकती। लेकिन मेरे को प्राउड फील होता है मेरे हस्बैंड में, चाहे हम जो मर्जी करते रहे आपस में, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट करी है। मैं यही चाहती हूँ, मैं आप सबको शायद पता है कि मेरे ब्रदर और सिस्टर दोनों देख नहीं सकते हैं, आँखों से ब्लाइंड जानते हैं हैं दोनों सबको, बच्चे। सबको पता है। नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता हाँ, मैं जो नए होगा। लोग हैं वो नहीं जानते, तो जो मेरे, मेरे साले साहब हैं, जो हम मेरी साली तीन साहिबा, भाई बहन दोनों हैं। दोनों नहीं देख सकते वो बाय बर्थ। भाई तो साली मेरा साली साहिबा को तो 10% नजर टेन आता है। परसेंट नहीं है उसका, वो भी 2% है। उसको 100 में से 2% दिखाई देता है, वो भी उसको कहते हैं ना भगवान एक चीज छीनता है तो बहुत सारी चीजें उसको देता है। उनके अंदर इतना दिमाग है ना बस, कि वही उनको पता चल जाता है परछाई भी कोई पास से गई है, अपना है या पराया है, बाहर का है या जो भी। लेकिन मैं इतना बोलूंगी कि जैसे मेरा हस्बैंड, अगर एक वो मैं उनके घर में उनकी वाइफ बन के आई हूँ, लोगों की सिर्फ ये मेंटालिटी होती है कि एक लड़की के घर से सिर्फ आता है, ऐसा नहीं होता। अगर वो बुरे वक्त में है तो आप भी हेल्प कर सकते हो। मेरे हस्बैंड ने भी मेरी मेरी फैमिली की हेल्प की है, और मैं पूरी लाइफ यही बोलूँगी उनको कि ये दिन मैं कभी भूल नहीं सकती। और मैं अपने हस्बैंड का सारी ज़िंदगी साथ वैसे भी निभाना था, अब भी निभाऊंगी। बिकॉज बहुत बड़ी बात है कि वहाँ से आया नहीं, यहाँ से जा रहा है, कि हेल्प कर रहे हैं। तो आप भी अपनी वाइफ की, अगर आपकी वाइफ या जो भी स्ट्रांग है अपने परिवार की, बहुत मदद आपकी करो, वाइफ का परिवार अगर अभी स्ट्रांग नहीं है इस ऐसे हालातों तो में, हेल्प तो बड़े करो। लेवल पे अपने परिवार के जो सास ससुर हैं उनकी मदद करें। आप, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप अपने परिवार का तो देख ही रहे हैं, उनके लिए भी बड़े लेवल पे सोचें आप। बस यही नहीं है कि आप किसी का भी, आपके परिवार में कोई भी है जिसके आप मतलब आपके अंदर इतने हैं गट्स कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो, आपको भगवान ने देने वाला बनाया ना, तो हाथ को आगे बढ़ाओ, जिंदगी भर मिलेगा आपको। मैं इतना जानती हूँ उसका, इंसान का कभी ख़त्म नहीं होता। आप लोग हमारी वीडियोस चला रहे हो, हमने किसी की हेल्प क्या करी, हमारी वीडियोस चल रही हैं, हमारे पास भी आएगा, आएगा तो और हाथ बढ़ाएंगे। वही है ना कि भगवान, अगर हमने इतना छोटी जगह थोड़ा सा भी दिया है ना तो हमें वापस मिला है, चाहे आप लोगों के जरिए से मिला, चाहे भगवान ने जो भी करवाया है, बस मिलता है। बस एक बार दिल खोल के सबको दो, हाथ आगे बढ़ाओ, जिंदगी में कभी आपकी झोली खाली नहीं होगी, इसकी गारंटी हम लेते हैं। हमने अपनी जिंदगी में ये चीज़ देख ली, तो बस यही बोलना चाहूंगी, सबकी मदद करो। बहुत वक्त बुरा है, बुरा है, घर में ही पड़े, वो मेरी जवान लड़खड़ आ जाती कोई बात नहीं, है, तो इतना बुरा वक्त है कि पैसे संभाल के आप कुछ नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते आप अपनों को। परिवार को देखो बस अपने आप, चाचा मामा, आपको लगता ना कि वो उनकी फाइनेंशियली दिक्कत बड़े लेवल पे है तो उनकी मदद करो, बस मैं इतना कहूंगा। सबकी मदद करो, अभी बहुत दुनिया है जो। तो ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं, बहुत सारी बातें आपको बतानी थी बता फिर दी से है। थैंक यू सो फिर मच, से बहुत थैंक यू बहुत सो मच, जय धन्यवाद माता आपका। दी।